नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ 4, एक प्रश्न 4 उत्तर। गद्य इसके लेखक हैं श्री प्रकाश। साहित्य का प्रकार लेख। बच्चों आप जानते हैं लेख किसे कहते हैं? लेख को अंग्रेजी में आर्टिकल भी कहा जाता है। लेख साहित्यिक विद्या की मूलभूत विधा है जिसका आदि, अंत और मध्य होता है। इनके विषयों को अनेक परिच्छेदों में बांटकर या विभाजित किया जा सकता है और विषयों से संबंधित हर एक जानकारी को रोचक तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है। श्री प्रकाश लेखक, उनका जन्म सन 1890 ईस्वी, निधन सन 1971 ईस्वी। श्री प्रकाश जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। समसामयिक मतलब उस समय की जो समस्याएं थी उस पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है या रोशनी डाली है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण मतलब किसी की याद में लिखा गया, जीवनी मतलब किसी भी व्यक्ति की शुरुआत से लेकर अंत तक की जानकारी या उसके बारे में लिखना पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का 4 महानुभव ने अपने अपने ढंग से दिए। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यहाँ चारों महानुभाव के द्वारा दिए गए उत्तर का निष्कर्ष है। लेखक श्री प्रकाश है, उन्होंने यहाँ पर इस पाठ में यह बताया गया है कि हमारा देश क्यों उन्नति नहीं कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने 4 महान अनुभव अर्थात महानुभव व्यक्तियों से पूछा और चारों व्यक्तियों ने अपने अपने ढंग से उन्हें उत्तर दिया। किसी ने कहा कि आप अपने काम में गर्व नहीं लेते, किसी ने कहा आप में उदारता नहीं है, तो किसी ने कहा है कि आप आलसी हैं। ऐसे अनेक प्रकार से उनके अलग अलग उत्तर हैं। उन सभी उत्तरों को मिलाकर लेखक ने इस पाठ में यह प्रस्तुत किया है कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक यानी हर एक नागरिक निष्ठा से, ईमानदारी से यदि कार्य करता है तो हमारा देश अपने आप ही उन्नति करेगा। कोई कार्य छोटा या कोई कार्य बड़ा नहीं होता है। हर एक कार्य में अपने ढंग से ईमानदारी पूर्वक किया जाए तो हम अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। देश के लिए मर जाना, इसे आप देशभक्ति कहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि आप अपने कार्य को पूरी तरह से ईमानदारी से, सच्चाई से और लगन से करते हैं तो भी आप अपने देश में अपना योगदान उसकी उन्नति में दे सकते हैं। यह भी एक प्रकार की देशभक्ति ही बताई गई है। यहाँ पर यही बात लेखक ने प्रस्तुत की गई है। सबको ही कुछ ना कुछ खपत होती है या खपत होता है, खपत यानी धुन होती है। मुझे भी कई बातों का खपत था। उनमें एक यह कि जब किसी विदेश से या विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती और उन्हें सहृदय पाता, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश के में
बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर, सुअवसर मतलब अच्छे अवसर पर, मैं पूछता हूँ कि आप कृपा करके बतलावें कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हैं, ज्यों के त्यों मतलब वैसे के वैसे ही। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, चकित होना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। उत्तर देते संकोच करते हैं, संकोच करना मतलब झिझक होती है उन्हें, और शिष्टता यानी सभ्यता के नाते क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहना मतलब माफ़ी मांगना। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ, बाध्य करना मतलब मजबूर करना। लेखक को अपने विदेशी मित्रों से यह जानने की उत्सुकता रहती थी कि जब भी कोई विदेशी मित्र उनके संपर्क में आता है या कोई उनका ऐसा मित्र, तो वह यह बात अवश्य पूछते थे कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, हमारे देश में महान पुरुष हुए हैं और बड़े बड़े आंदोलन अर्थात अनेक प्रकार के आंदोलन किए हैं, पर हमारा देश क्यों विकास नहीं कर रहा है, क्यों ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, यह बात उन्हें समझ में नहीं आती है। इसलिए जब यह बात वो अपने विदेशी मित्रों से पूछते हैं तो उनके विदेशी मित्र उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्हें जवाब देने में उन्हें संकोच होता है, उन्हें झिझक होती है और वह नहीं चाहते कि वह इस बात को वह उनसे, लेखक उनसे पूछे। इसलिए वह सभ्यता से इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, परंतु लेखक हैं कि उनका पीछा छोड़ते ही नहीं और उन्हें इस बात पर मजबूर करते हैं कि वह उनके प्रश्न का उत्तर दें। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं पर सपत्निक, सपत्निक मतलब अपनी पत्नी के साथ देश के दरिद्र नर नारी, दरिद्र मतलब गरीब, नर नारी मतलब स्त्री और पुरुष की सामाजिक सेवा में लगे हुए रहे। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार, सत्कार यानी आदर और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है, आरंभ करना मतलब शुरुआत करना, अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा यानी हमेशा अपने मालिक की शुभ कामना करेगा अर्थात उसका भला इच्छेगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका, जीविका मतलब जीवन गुजारने का साधन, के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है अर्थात उन्हें परेशान कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, वे साधारण, साधारण यानी मामूली शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति, गति मतलब उसकी तीव्रता उन्हीं पर निर्भर है, निर्भर है मतलब आधारित है, और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। अर्थात लेखक के मित्र जो पहले पादरी मित्र हैं उन्होंने क्या कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। अर्थात हमारे देश में, भारत देश में क्या है कि जब भी कोई कार्य की या नौकरी की चाहिए तो हर एक व्यक्ति नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देता है, तो जब प्रार्थना पत्र दी जाती है तो प्रार्थना पत्र के जो शब्द होते हैं
लिखे हुए इतने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखे जाते हैं कि मानो कि वह शब्द एकदम अलग से दिखाई दे, और उसके उसमें वह दरखास्त देते हैं, और इतना ज़्यादा विनम्रता बताई जाती है, इतना ज़्यादा सम्मान प्रकट करके वह कार्य की शुरुआत किया, लिखने की अर्जी की लिखने की शुरुआत की जाती है, और अंत में वह कसम खाते हैं कि यदि उन्हें यह जगह जिस जगह के उम्मीदवार हैं और यदि वह उम्मीदवारी उन्हें मिल जाती है या स्थान प्राप्त हो जाएगा तो वह हमेशा हमेशा अपने मालिक का शुभ करेंगे या भला ही करेंगे। और जब जैसे ही उन्हें स्थान प्राप्त हो जाता है, वो जिस स्थान के लिए उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में जो प्रार्थना पत्र दिया था, और वह स्थान प्राप्त करने के बाद उसे इतना ज़्यादा ख़राब समझने लगता है जो उसके जीवन निर्वाह का साधन है, और वो क्या करता है अपने दूसरे मित्रों के और साथियों के साथ मिलकर उस काम को ख़राब तो करने ही लगेगा, साथ साथ उसमें षड्यंत्र करना अर्थात भीतरी अंदरूनी चाल चलने लगता है और अपने मालिक को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। परंतु जो दूसरे देश है, दूसरे देशों में लोग नौकरी के लिए जो अर्जी देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो मामूली होते हैं, साधारण शब्दों में वह लिखी गई होती है, और जब उन्हें वह जगह प्राप्त हो जाती है, वह स्थान मिल जाता है, तो वह इस तरह काम में लग जाते हैं कि मानो ये कि संसार में जो कार्य हो रहा है और उन्हीं पर आधारित है, यदि वो काम करने को मना कर देंगे या छोड़ देंगे तो शायद पूरा संसार है वो डूब जाएगा, अर्थात उसका काम रुक जाएगा, यह उनका मानना है। इसीलिए जब भी उन्हें काम मिलता है तो पूरी लगन से, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी से वह अपने उत्तरदायित्व को समझकर अपने कार्य को करने में जुट जाते हैं। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही, हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, आदेश मतलब आज्ञा है, जाति भाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, मान मर्यादा मतलब मान सम्मान, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता, उपयुक्त मतलब अच्छा, जो उसके लिए योग्य हो, वह यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता, आदर सत्कार करना मतलब मान सम्मान करना, बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपने बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है, पर लंबी दास्ता यानी गुलामी के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं और अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं, हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते, असफलता मतलब निष्फलता, स्वयं दुखी रहते हैं, स्वयं मतलब खुद दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं, कोई काम ठीक ना कर सकने के कारण अपने आप को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयकर है, यह आदेश हम भूल गए हैं, हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। यहाँ पर ईसाई मित्र पादरी ने सचमुच बहुत ही सही बात कही है कि हमें हमारे देश की परंपरा है उस पर हमें अपने गर्व के साथ साथ उसके कहे गए आदेशों को, जो आज्ञा दी है, उसका हम पालन नहीं करते, साथ साथ हम क्या करते हैं, जाति पाति का जो भेदभाव जो है वह इसी पर निर्भर है अर्थात आधारित है, हर एक व्यक्ति दूसरी जाति में अर्थात दूसरे लोगों से अपना मान सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता है, वह तो चाहता है कि उसकी जात बिरादरी में ही वह एक अपना विशेष स्थान बनाए, उसे एक पद प्राप्त हो और लोग उसका मान सम्मान करें। फिर
बढ़ई जैसे आप देखते हैं कि बढ़ई अपने औजारों का और दुकानदार अपनी बहियों का, अर्थात निश्चित तिथियों पर एक समय होता है, एक तारीख होती है जिस पर वह अपनी पूजा अर्चना करते हैं। परंतु लंबी गुलामी के कारण, इतने वर्षों की गुलामी के कारण हम अपनी सारी की सारी परंपराएं धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं, अपना काम छोड़कर, जो सचमुच हमारा काम है, जो हमें करना चाहिए, उस काम को छोड़कर हम दूसरों का काम करना शुरू कर देते हैं। तो स्वाभाविक है, जिस कार्य का हमें अनुभव ना हो उस कार्य को हम करेंगे तो वह कार्य तो बिगड़ेगा ही, अर्थात हम उसमें असफल होंगे, निष्फल हो जाएंगे। और जब हम निष्फल होते हैं, असफल होते हैं, तो खुद दुखी हो जाते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी हम दुखी कर देते हैं। साथ ये होता है कि हमारा काम सही ढंग से नहीं होता है, जिसके कारण हमारा काम तो खराब होता है परंतु साथ साथ हमारा नाम भी खराब हो जाता है। हमारा शास्त्र कहता है कि अपने कार्य को करते करते हमारा मर जाना बहुत ज़्यादा श्रेयकर अद्भुत अच्छा है। हमारे शास्त्र, हमारे धर्म द्वारा जो कही गई बात है हम उसको भूल गए हैं, क्योंकि हमें हमारे काम पर गर्व नहीं है। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी अर्थात सरकारी नौकरी का हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए, स्वदेश मतलब अपने देश। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री यानी मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया मतलब प्रस्तुत किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते, जिम्मेदारी अर्थात अपना उत्तरदायित्व। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि मतलब समूह की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते, जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए। किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो ना मेजबान को यह विश्वास है कि मेहमान समय से आवेंगे, ना मेहमान को विश्वास है कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा, ना गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, ना धोबी और दर्जी को विश्वास है। यहाँ पर कवि ने एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी से वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने ईसाई पादरी से पूछा था। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, जिम्मेदारी अर्थात उत्तरदायित्व नहीं समझते, पर किसका, व्यक्तियों के समिति यानी व्यक्तियों के समूह की तरफ जो हमारा उत्तरदायित्व होता है, हमारा कर्तव्य होता है, हमारी जवाबदारी होती है, हम उस जिम्मेदारी को हम उठाते ही नहीं हैं और समझते ही नहीं हैं। हम उन पर विश्वास करना या उस कर्तव्य को निभाने का जो हमारा गुण है उस गुण को हम पूरी तरह से भूल गए हैं, हमारे में विस्मृत हो गया है। किसी पर किसी का कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता है। हमें जो काम हमने उठाना चाहिए उस कार्य को हम उठाते ही नहीं हैं या करना ही नहीं चाहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर यदि कोई मेहमान है के घर में, मेहमान किसी के घर में खाना खाने के लिए जाता है तो आने वाले मेहमान को यह विश्वास नहीं है कि हम जिसके घर पे जा रहे हैं उसके घर पर हमें समय पर खाना मिल जाएगा, और जो व्यक्ति जिसके घर मेहमान आ रहा है उस व्यक्ति को भरोसा नहीं होता है कि जिस मेहमान को हमने बुलाया है क्या वो समय पर आ जाएगा। यह एक अविश्वास की डोर है जो दोनों व्यक्तियों के बीच में है, वह हमारे कार्य को करने नहीं देती और हमें आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरे है कि यदि दर्जी और धोबी है
हमें वायदा करते हैं कि यदि तुम कल मैम साहब ये कपड़े लेकर चले लेकर आ जाना, तो हमें विश्वास नहीं होता कि क्या दर्जी या धोबी क्या समय पर हमें कपड़े देगा, और उस धोबी को उस गृहस्थ पर अर्थात उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं है कि क्या मैंने कल आने के लिए बोला था तो वो आएगा। इस तरह हर एक व्यक्ति में आपस में एक अविश्वास भरा हुआ है। आगे के लेसन को हम पार्ट टू में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।